आपका दोस्त एम एच भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और सलाम अर्ज करता हूँ। टाइटल फॉर टुडेज वीडियो इज डिफरेंस बिटवीन सर्ज एंड स्पाइक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो टर्म्स की वजाहत करेंगे जो कि पावर सप्लाई में अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर वन इज सर्ज एंड नंबर टू इज स्पाइक। सबसे पहले सर्ज। सर्ज वोल्टेज, सडन राइज इन एक्सेसिव वोल्टेज हैविंग अप टू 100% हायर एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्चुअल सिग्नल। एसी वोल्टेज में अचानक आने वाली तब्दीली जो कि उसके असल सिग्नल से 100 गुना ज़्यादा भी हो सकती है और ये जो है इसके लिए अनवांटेड होती है, इसको सर्ज कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सर्ज वोल्टेजेस। सर्ज वोल्टेज की इकसाम। सर्ज वोल्टेजेस की इकसाम दो किस्म की होती हैं, एक को इंटरनल सर्ज कहा जाता है और दूसरे को एक्सटर्नल सर्ज कहा जाता है। अब हम इसके पहले से इंटरनल सर्ज वोल्टेज की वजाहत करते हैं। इंटरनल सर्ज पैदा होने के एक रीज़न जो कि पहली रीज़न बयान की जा रही है वो कुछ इस तरह से होती है कि स्विचिंग ऑपरेशन ऑन अनलोडेड लाइन। अनलोडेड लाइन पर स्विचिंग ऑपरेशन जो है वो एक सर्ज क्रिएट करता है और वो सर्ज जो है इंटरनल सर्ज कहलाती है। इंटरनल सर्ज की दूसरी किस्म सडन ओपनिंग ऑफ लोड लाइन। इससे मुराद कुछ इस तरह से लिया जाता है कि सर्किट अगर एक क्लोज्ड फॉर्म में था लोड लाइन उसके और वर्किंग ऑर्डर में थी, अचानक ही वो ओपन हो जाए यानी डिस्कनेक्ट हो जाए और इस तरह से जो पैदा होने वाली चेंज होगी इसको इंटरनल सर्ज कहा जाएगा। इंटरनल सर्ज की तीसरी किस्म जिसको सी से जाहिर किया गया है, दैट इज इंसुलेशन फेलियर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होती है कि इंसुलेशन के अगर फेलियर हो जाए यानी अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए या इसके स्ट्रेंथ कम हो जाए तो वो भी एक टाइप के सर्ज को क्रिएट करने का बायस बनती है जिसे इंटरनल सर्ज कहते हैं। इसीलिए जब भी केबल का इंतखाब किया जाता है तो उसके इंसुलेशन बहुत अच्छी जो है इसका इंतखाब किया जाता है ताकि ये जो है बाद में चल के इंटरनल सर्ज का बायस ना बन सके और बहुत अच्छे तरीके से ये आपके काम आ सके। इससे कबल हमने तीन अनासर को डिस्कस किया जो कि सर्किट में इंटरनली जो है वो चेंज लाकर इंटरनल सर्ज के बायस बनते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके बैरूनी जानब यानी एक्सटर्नली साइड से जो सर्ज क्रिएट होती है या सर्ज का बायस बनता है उस फैक्टर की जानब बढ़ते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई एटमोसफेरिक डिस्चार्ज लाइक स्टैटिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग। ये एक ही रीज़न है जो कि एटमॉस्फेरिक डिस्चार्ज होता है जैसे कि आसमानी बिजली का चमकना होता है जिसे लाइटनिंग कहा जाता है। तो ये लाइटनिंग जो है ये भी एक तर्ज में इसमें सर्ज क्रिएट करने का बायस बनती है और ये कसरत से होता है। इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बहुत से सर्किट्स और दीगर अशिया जो है डैमेज हो जाती हैं, तो इसलिए पावर सप्लाई और ऐसे बहुत से दीगर सर्किट जो हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो अरेंजमेंट अरेंज किया जाता है वो दोनों तरफ का होता है, यानी एक्सटर्नल सर्ज से भी उसे प्रोटेक्ट किया जाता है और इंटरनल सर्ज से भी उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर जाके वो आपके लिए एक बेहतर कारकर्दगी का हामिल होता है, अदरवाइज उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं। अभी बढ़ते हैं स्पाइक की जानब। सडन राइज इन एम्पलीट्यूड फॉर मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड ड्यूरेशन हैविंग अप टू 300 to 400% आर नोन एज ए स्पाइक्स। इससे मुराद कुछ यूँ लिया जाता है कि ये बहुत ही मुख्तसर टाइम पीरियड की एक बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड की हामिल एक पल्स होती है, एक चेंज होती है जिसमें एम्पलीट्यूड रैपिडली चेंज होता है जो कि इसके इनपुट का 300-400% से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको स्पाइक कहा जाता है। इसको जो है स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में वाजे किया गया है। अब हम इन दोनों की जो है वजाहत कर लेते हैं दोबारा से। तो जैसे कि हमने देखा कि सर्ज जो है एक तो उसके जो परसेंटेज है वो अपने इनपुट सिग्नल के 100% के करीब करीब जो है ये पैदा होती है और डेफिनेटली है तो ये भी अनवांटेड, लेकिन इसके ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, एक साइकिल से कम भी हो सकता है। लेकिन स्पाइक जो है ये बहुत ही कम वक्फे के लिए यानी माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड ड्यूरेशन के लिए एक पैदा होने वाली पल्स है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 300% और 400%
तक हो सकता है, यानी ये उससे कई गुना, अपनी इनपुट से कई गुना ज़्यादा जो है ये बड़ी एक पल्स होती है। तो इस तरह से जो है कम ड्यूरेशन की पल्स को स्पाइक कहा जाएगा और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जो चेंज आने वाली है इसको सर्ज कहा जाएगा। याद रहे कि ये एसी और डीसी पावर सप्लाईज में ज़्यादा जो है वो शिद्दत से जो है मुतासर करती हैं, इस पर इफ़ेक्ट लाती हैं, तो हर पावर सप्लाई में इनसे बचाव के लिए जो है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाता है। हम अगली वीडियो में इस बात का तजिया करेंगे कि वो क्या अरेंजमेंट होता है और वो कैसे किया जाता है। तो मैं आपको अगली वीडियो में जो है इसके बारे में बताऊँगा कि इसकी जो है कैसे एलिमिनेशन की जाती है, कि किसी भी सर्किट को स्पाइक से और साइज से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इस तरह से आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आप सब अहबाब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।